OnePlus Nord 2T versus iPhone 11। तो फ्रेंड्स आज करने वाले हम इसका कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा क्वालिटी बेस्ट है और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक फोन परचेस करना है स्पेशली कैमरे के लिए तो आपको कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहा हूं राधे बेट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास OnePlus Nord 2T और iPhone 11। तो गाइस बात करते हैं पे OnePlus Nord 2T की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे iPhone 11 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और दोस्तों बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको OnePlus Nord 2T के अंदर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे iPhone 11 की, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी OnePlus Nord 2T और इसी iPhone 11 के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स OnePlus Nord 2T के अंदर आप बुके इफेक्ट वाला वीडियो जो शूट कर पाओगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone के 11 ये फैसिलिटी नहीं है। यानी कि आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इन दोनों में से किसी एक फ़ोन से तो आपको इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ और वीडियो जो शूट हो रहा है, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हो। और गाइस आपको इन दोनों में से किसका वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी कमेंट्स में ना ज़रूर से बताना।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे हुए मैंने इसी OnePlus Nord 2T और इसी iPhone 11 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली OnePlus Nord 2T का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। तो होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।